जय हिंद दोस्तों, राम राम। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। वेलकम टू माय फर्स्ट यूट्यूब ब्लॉग। कुछ नया करने का सोच रख के मैं यूट्यूब में कदम रखा हूँ। चलिए यहीं से शुरू करते हैं मेरा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम सुधांशु पंडा है और मुझे मिला करके हमारे घर में चार आदमी हैं, मेरा बाबा, माँ और एक छोटा भाई। और एक बात है जो आप लोगों के साथ मैं ज़रूर शेयर करना चाहता हूँ। ये कहते हुए मुझे थोड़ा प्राउड फील होता है कि मैं एक फ्रीडम फाइटर परिवार का सदस्य। मेरा ग्रैंडफादर श्री बंशीधर पंडा, जिसने हमारी देश की आज़ादी के लिए अपनी बलिदान दिए थे, और जिस महान व्यक्तियों ने हमारी देश की आज़ादी के लिए बलिदान दिए हैं, उन सभी को मैं दिल से प्रणाम करता हूँ। और उन सभी ने आज भी हमारे दिल में अमर है और सदा अमर रहेंगे। एंड आई लव उड़ीसा एंड आई लव इंडिया एंड वी ऑल्सो प्राउड ऑफ बी एन इंडियन। जय हिंद दोस्तों। और आप लोग पता ही होगा, उड़ीसा का कल्चर, नेचर और टेम्पल की वजह से ओडिशा आज सारे वर्ल्ड में अपने आप एक स्वतंत्र पहचान बना चुका है। यहाँ का कल्चर, नेचर और फेस्टिवल और यहाँ का लैंग्वेज मुझे बहुत अच्छा लगता है। इससे जुड़ा हुआ हर टाइप का ब्लॉग मैं आप लोगों के लिए लाऊंगा, ताकि ये आप लोग के दिल को छू पाए। इसीलिए मुझे चाहिए सिर्फ आप लोग का ढेर सारा प्यार और बहुत सारा सपोर्ट। एक बार मुझे एक चांस दीजिए, डेफिनेटली मैं आप लोग के लिए अच्छा अच्छा ब्लॉग लाऊँगा। और मैं आशा करता हूँ आप लोग के दिल को मैं ज़रूर जीत पाऊँगा। और अभी मैं मेरा जो फर्स्ट यूट्यूब ब्लॉग शूट करने के लिए आया हूँ, ये है मेरा फेवरेट प्लेस। ये जो मेरा फेवरेट प्लेस है, ये हमारे गांव से लगभग 100 मीटर दूरी में है। और ये क्यों है मेरा फेवरेट प्लेस, आप लोग भी थोड़ा पता चले। चलिए मैं ले चलता हूँ आप लोग को मेरा फेवरेट प्लेस की तरफ। आप लोग देख लीजिए एक नज़ारा मेरा फेवरेट प्लेस। ये कितने सुंदर नज़ारे हैं हमारे गाँव के। चारों तरफ से हरियाली ही हरियाली है। ये दूर से दिखाई दे रहा है हमारे गाँव। और अभी अभी सनसेट भी होने वाला है, और अभी बारिश का मौसम चल रहा है, तो हमारी खेती बाड़ी भी ख़त्म हो चुका है। और ये जो देखने जा रहे हैं, ये है मेरा फेवरेट प्लेस। चलते हैं इसके अंदर और देखते हैं मेरे फेवरेट प्लेस का एक छोटा सा झलक। और यहाँ पर श्री श्री खीरेश्वर महादेव जी की पीठस्थली है। और इसके अंदर की खूबसूरत की भी देखिए, प्रकृति की वरदान है हमारे लिए। और इसके अंदर भी बहुत सुंदर लग रहा है। और इसी के साथ मैं आप लोग को ले चलती हूँ श्री श्री खीरेश्वर महादेव जी के एक दर्शन के लिए। आप लोग दर्शन भी कीजिए और भगवान जी की आशीर्वाद के लाभ उठाइए। गाइज, ये हमारे पहला ब्लॉग आप लोग को पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो अच्छे अच्छे कमेंट करना, और जितना ज़्यादा हो सके अपनी दोस्त लोग के साथ शेयर कीजिए, प्यार दीजिए। और आप लोग के सपोर्ट और प्यार की वजह से मैं आगे जा करके आप लोग के लिए अच्छा अच्छा ब्लॉग ला पाऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, राम राम, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं और एक अच्छे ब्लॉग के साथ।